भाजपा प्रत्याशी ढुल्लू महतो के समर्थन में राष्ट्रीय प्रवक्ता नादिया इलाही खान मंगलवार को धनबाद पहुंची, जहां बरवा अड्डा के एक होटल में उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से बात की और भाजपा को जिताकर देश में एक बार फिर से पीएम मोदी को प्रधानमंत्री बनाने की बात कही। इससे पूर्व कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए नाजिया ने केंद्र सरकार के सभी विकास के कार्यों को और अल्पसंख्यकों के लिए किए गए कार्यों को रखने का काम किया। वहीं कांग्रेस और गठबंधन के नेताओं पर जोरदार हमला बोलते नजर आई। न सिर्फ राहुल गांधी पर बल्कि प्रियंका गांधी, अरविंद केजरीवाल समेत तमाम विपक्ष के नेताओं पर जोरदार हमला बोला और तीन तलाक से लेकर उन सभी विवादित मुद्दे जिसको लेकर अक्सर नेता चुनाव के दौरान कुछ बोलने से परहेज करते हैं उन पर खुलकर बोली। सर्वोच्च न्यायपालिका के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच पे पॉलीगेमी और हलाला को बैन करने के लिए मेरा मेरा पिटिशन ऑलरेडी चल रहा है और उससे पहले अगर यूसीसी आ जाता है तो समझिए कि हम बेटियां जो हैं वो पंख लगा करके आकाश में उड़ेंगे और मोदी जी धन्यवाद धन्यवाद करेंगे। पूछना चाहती हूँ कि जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है या इंडी गठबंधन की सरकार है वहाँ सारे लोगों के हाथ में भीख का कटोरा काहे है? सारे सारे के पास काहे नहीं का सरकारी नौकरी है? सरकारी नौकरी के आंकड़े गूगल पे मिल जाएंगे जो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। हम भाई कुछ छुपाते नहीं है, जो है ब्लंट है, ट्रांसपेरेंट है, सबके सामने है, सबके सामने है। मैं पूछना चाहती हूँ कि केरला में कहे लोग ऐसे बिना सरकारी नौकरी के हैं? पश्चिम बंगाल में सरकारी नौकरी कहाँ है? आपको पता है पश्चिम बंगाल में 7% भी सरकारी नौकरी नहीं है, 7% भी नहीं है। तो श्रीमती ममता बनर्जी खाली माँ माटी मानुष होगा, माँ को भी बेच रही है वो मांस बलात्कार करवा करके, माटी भी बिक रहा है और मानुष का तो कोई कदर ही नहीं है पश्चिम बंगाल में। तो जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आप चलिए मेरे साथ उत्तर प्रदेश, मैं आपको बताती हूँ कि कितनी सरकारी नौकरी है। देखिए एक प्रोपगंडा बनाया जा रहा है और कांग्रेस और इंडिया अलायंस जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, जिसका कोई मान्यता नहीं है, जिसने 53 साल में देश को सिर्फ डुबाया है, युवाओं को भड़काया है, युवाओं को बहकाया है, युवाओं को आफ्ताब जैसा बलात्कारी बनाया है, युवाओं को नासिर खान जैसा बलात्कारी बनाया है, वो चाहते हैं कि ये सिलसिला चलता रहे। पर हम जैसे लोग और भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के नेतृत्व में ये क्राइम और भारत में नहीं होने देंगे। अरे कोई संविधान बदल सकता है क्या? संविधान में छल कपट तो इंदिरा गांधी जी ने किया था इमरजेंसी लगवा करके। अरे भैया संविधान का विरोध जितना इंदिरा गांधी जी ने किया वो तो कोई कर ही नहीं सकता है। और जिसने भी संविधान पढ़ा है, ये भी वकील है मैं भी वकील हूँ, संविधान को छूना भी मुश्किल है। अब मैं आप लोगों को पहली बात बता देती हूँ, आर्टिकल 1 उठाइए, भारत इंडिया किसने बनाया? गांधी परिवार ने। 370 आर्टिकल काहे को लगाया, कैसे लगाया? क्लॉज 9 कहाँ चला गया था, क्यों छुपाया? कश्मीर की लाइब्रेरी में क्यों छुपा था क्लॉज 9? तो ये सारे संविधान के साथ छल कपट और मनुष्य के साथ छल कपट, ये गांधी परिवार का कार्य है, ये हमारा कार्य नहीं है। हम सबके साथ और सबके विकास के साथ बढ़ना चाहते हैं कि आज से 10 साल पहले मतलब आलू मिलता था 25 पैसा केजी, चावल मिलता था 1 रुपया केजी और अचानक से दाम बढ़ गया क्या? अचानक से हो गया है क्या? 53 साल में भारत के सबको सरकारी नौकरी कांग्रेस नहीं दे पाया, लेकिन 10 साल में अपेक्षा है कि हर एक घर में सरकारी नौकरी होनी चाहिए। अरे भैया घर में नई बहू आती है ना, उसको भी समय दिया जाता है। और भारत में जिस तरह से मोदी जी के नेतृत्व में जो 0 ग्राउंड से लेकर के बड़े बड़े कार्य हुए हैं उसको गिनवाने अगर बैठूंगी तो कल सुबह हो जाएगा, क्योंकि कार्य इतने ज्यादा है कि मैं लिस्ट भी लेकर के आई हूँ। इस पर भी भाजपा पर इल्जाम लगता है, मैं ऐसी हूँ कि मैं खुद बोलती हूँ, इस पर भी भाजपा पर इल्जाम लगता है। मुझे एक बात बताइए कि मायावती ने कहा था कि अखिलेश चोर है और अखिलेश ने कहा था मायावती चोर है, ज्योति बासु ने कहा था ममता चोर है, ममता ने कहा था ज्योति बासु चोर है, शरद पवार ने कहा था ठाकरे जी के यहाँ से घपला हो रहा है, ठाकरे जी ने कहा था कि शरद पवार के यहाँ से घपला हो रहा है। तो इन सारे लोगों के कंप्लेन लेटर पर अगर ईडी और सीबीआई काम कर रहा है तो हमें काहे को टारगेट किया जा रहा है? भैया रोज तो खुद ही चिल्लाते थे मन सजा करके कि ये लोग चोर हैं, ये लोग डकैत हैं। अरविंद केजरीवाल ही बोलता था ना कांग्रेस की सरकार चोर है, और कांग्रेस बोलती थी कि अरविंद केजरीवाल चोर है। तो अब तो ईडी और सीबीआई अपना काम कर रही है। देखिए मसला ये है कि गांधी जी का फोटो जहां आता है ना वहां पर कांग्रेस ही समझ लेता है राहुल बाबा का दोस्त का फोटो है, सजा लो अलमारी में, इसीलिए ये सब कर रहा है। लेकिन
ईडी हो, सीबीआई हो, एनआईए हो, एनएसजी हो, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ये अपने कर्तव्य का पालन अंडर द बैरिकेड ऑफ लॉ करते हैं एंड लॉ ऑलवेज टेक इट्स ओन कोर्स। कोई इसके बैरिकेड को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है। नोबडी कैन प्ले देयर डायबॉलिक माइंड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लॉ।